Hey friends, in this video we are going to study about pest of paddy, which is called rice grasshopper, and its scientific name is Hieroglyphus benyon. तो इस वीडियो में हम Hieroglyphus benyon, जिसको rice grasshopper कहा जाता है और ये paddy field को affect करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले शुरुआत करते हैं classification से. It belongs to phylum Arthropoda. क्लास इंसेक्टा. ऑर्डर इज ऑर्थोप्टेरा. फैमिली एक्रीडिडे. जीनस इज Hieroglyphus. स्पीशीज इज बेनियन एंड इट इज कॉल्ड एज राइस ग्रासहोपर. तो Hieroglyphus benyon जो है ये बिलोंग करता है टू द ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा. ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर की कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं. जितने भी ग्रास होपर्स या क्रिकेट्स की स्पीशीज आती हैं, All of them belong to Orthoptera order. तो Orthoptera के अंदर सारे के सारे grasshoppers और crickets आते हैं. The other characteristic is that all of these insects, they have chewing mouth parts. तो यानी कि चबाने वाले जो इन mouth parts होते हैं, इनके चबाने वाले होते हैं, ये खाने को चबाते हैं, या जिस भी pest को, किसी भी crop को अगर infect करते हैं तो उसको ये chewing करने का काम करते हैं, because they have chewing mouth parts. So grasshoppers and crickets have chewing mouth parts. They show gradual metamorphosis. In gradual metamorphosis we see incomplete life cycle के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ तीन stages होती हैं life में, which is egg, nymph, adult. तो egg, nymph, adult की formation होती है gradual metamorphosis में, जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा और प्यूपा की फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे लार्वा और प्यूपा नहीं बनता. जितने भी ग्रास होपर्स और क्रिकेट्स होते हैं उनकी एग, निम्फ और एडल्ट फॉर्म दिखाई देती है. अदर फीचर इसकी, जो इनके फोर विंग्स होते हैं वो लैदरी होते हैं और हाइंड विंग्स थिन होते हैं. मतलब जो बॉडी के आगे वाले विंग्स होते हैं, फोर विंग्स, वो लैदरी नेचर के होते हैं, जबकि पिछले विंग्स जो हैं वो हाइंड विंग्स थिन होते हैं. So these are the characteristic features of the order Orthoptera. तो Orthoptera के अंदर जितने भी हमारे पास crickets या grasshopper आते हैं, या जितने भी insects जो ये grasshopper और crickets के आते हैं, इनकी जितनी characteristic है सभी को belong करती है. So we can say कि जो Hieroglyphus benyon है, जिसको rice grasshopper कहा जाता है, इसके पास भी chewing mouth parts है, ये gradual metamorphosis show करता है, और इसके फोर विंग्स लेदरी, हाइंड विंग्स थिन है. सो दिस इज Hieroglyphus benyon, ऑल्सो कॉल्ड राइस ग्रास होपर. अब इस पेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करते हैं. तो ये जो राइस ग्रास होपर है, ये पूरे के पूरे पैडी ग्रोइंग रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल ओवर द कंट्री, एस्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट्स में तो ये बहुत ज़्यादा मिलता है राइस ग्रास होपर. उसके अलावा जितने भी पैडी ग्रोइंग रीजन्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी चावलों की खेती होती है, वहाँ पर इसका ये जो है मिल जाता है राइस ग्रास होपर, आसानी से हमें देखने को मिल सकता है. सो स्पेशली इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में ये जो है ज़्यादा देखने को मिलता है. एंड इट्स अ स्पोरेडिक पेस्ट इन पंजाब. नाउ व्हाई वी से स्पोरेडिक पेस्ट, स्पोरेडिक का मतलब है इररेगुलर चेंजेस शो करना. किसी सीजन में ज़्यादा अफेक्ट कर देना, किसी सीज़न में अमाउंट एस्टिमेटेड अमाउंट से कम अफेक्ट कर देना. तो जब एस्टिमेशन अमाउंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दे, तो उसको हम स्पोरेडिक पेस्ट बोलते हैं, जो कि इररेगुलरिटी शो करता है. यानी कि कभी ज़्यादा ख़राब कर देगा, कभी कम ख़राब कर देगा पैडी के क्रॉप्स को. तो ये इस तरह से इररेगुलरली जो अफेक्ट करता है, उसको हम स्पोरेडिक पेस्ट बोलते हैं. तो राइस ग्रास होपर इज़ ए स्पोरेडिक पेस्ट इन पंजाब. तो पंजाब में जो पैडी की क्रॉप्स होती हैं, उस पर जो राइस ग्रास होपर है, Hieroglyphus benyon है, ये एक स्पोरेडिक पेस्ट की तरह काम करता है पंजाब में. सो दिस इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस ग्रास होपर, ऑल्सो कॉल्ड Hieroglyphus benyon. तो Hieroglyphus benyon के अब हम पढ़ेंगे हैबिट्स. हैबिट्स में सबसे पहले हम देखते हैं एडल्ट ग्रास होपर को. ये जो एडल्ट ग्रास होपर होता है, शाइनिंग होता है, greenish yellow in color, and about 40 to 50 mm long insect.
तो ये जो पेस्ट है ये शाइनिंग होता है, इसकी एडल्ट फॉर्म जो है ग्रास होपर की, ये शाइनिंग ग्रीनिश येलो कलर की है, 40 to 50 mm लॉन्ग है। इनके पास 3 ब्लैक ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं प्रोनोटम पे। तो डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि इट हैज़ 3 ब्लैक ट्रांसवर्स लाइंस ऑन दी प्रोनोटम। तो प्रोनोटम के ऊपर जो है 3 ब्लैक कलर की ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं एडल्ट ग्रास होपर के। ये शाइनिंग ग्रीनिश येलो कलर का होता है, 40 to 50 mm लॉन्ग इंसेक्ट है एडल्ट ग्रास होपर। जबकि इसकी अगर हम निम्फ स्टेज की बात करें तो निम्फ जो है वो येलो कलर का होता है और उसकी बॉडी के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स पूरी बॉडी के ऊपर फैले होते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये जो है निम्फ जो ग्रो करता है, ग्रो करने के साथ साथ ये पूरा ग्रीनिश कलर का हो जाता है। सो इट्स रिटन दैट निम्फ इज़ येलो इन कलर विद मैनी रेडिश ब्राउन स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी बट इट बिकम्स ग्रीनिश एज इट ग्रोस। तो जैसे ये बढ़ता जाता है निम्फ, तभी तभी ये ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है। बोथ निम्फ एंड एडल्ट हैव लॉन्ग हाइंड लेग्स। तो जो पीछे वाली लेग्स होती हैं राइस ग्रास होपर की, उनकी निम्फ की भी और एडल्ट की भी, तो निम्फ ग्रास होपर एडल्ट ग्रास होपर दोनों के पास लॉन्ग हाइंड लेग्स होती हैं फॉर होपिंग। होपिंग का मतलब काइंड ऑफ जंपिंग, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर जंप करने के लिए जो है इनके पास लॉन्ग हाइंड लेग्स होती हैं। बोथ निम्फ एंड एडल्ट हैव लॉन्ग हाइंड लेग्स फॉर होपिंग एंड दे फीड ऑन राइस प्लांट। हमें पता है कि हायरोग्लाइफस पेनियन इज ए पेस्ट ऑफ पेडी। तो ये पेडी मतलब चावल, तो चावलों के खेतों पे ये राइस प्लांट पे जो है ये फीड करता है। इसका जो खाना है प्राइमरी फूड है, तो ये जो इसका प्राइमरी होस्ट प्लांट है वो है राइस प्लांट। सो दे फीड ऑन राइस प्लांट। अदर थिंग इज देयर इज ओनली सिंगल ब्रूड इन ए ईयर। एक साल के अंदर एक ही ब्रूड बनता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, हायरोग्लाइफस बेनियन में देयर इज ओनली सिंगल ब्रूड इन ए ईयर। सिंगल ब्रूड का मतलब है कि जो लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन होती है, एक ही बार जो है एक सीजन के अंदर एग को ले किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल ब्रूड का मतलब मैंने बताया कि सिर्फ एक ही बार जो है वो एग ले होता है एक सीज़न के अंदर। तो एक बार अगर ये पेस्ट को पेडी क्रॉप को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है तो वहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल बस एक ही बार चलती है, एक ही बार इसका ब्रूड बनता है। सो दैट्स वाई वी से दैट देयर इज़ ओनली सिंगल ब्रूड इन ए ईयर। दिस इज़ द रीज़न वाई वी से देयर इज़ ओनली सिंगल ब्रूड इन ए ईयर, कि एक सीज़न में एक ही बार जो है इसके एग ले होते हैं और एक बार के अंदर बहुत सारे एग ले हो जाते हैं और बार बार रिपीट नहीं होता। सो देयर इज़ ओनली ए सिंगल ब्रूड इन ए ईयर इन हायरोग्लाइफस पेनियन। क्योंकि इनका विंटर और ड्राई पार्ट जो होता है समर का, ये एग स्टेज के अंदर ही गुजरता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका जो एग स्टेज है वो प्रोमिनेंट रहती है। सो विंटर्स एंड ड्राई पार्ट ऑफ समर इज पास्ड इन द एग स्टेज बिकॉज देयर इज ओनली ए सिंगल ब्रूड इन ए ईयर। सो दिस इज़ द रीज़न वाई देर इज़ अ सिंगल ब्रूड इन ए ईयर, क्योंकि इनका जो एग स्टेज है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलता है। और विंटर्स जितनी भी सर्दियाँ होती हैं और ड्राई पार्ट होता है समर का, यानी कि मानसून से पहले का वक्त और सर्दियाँ, इनके जो है वो एग स्टेज के अंदर ही गुजर जाती हैं। तो जब ये पेडी फील्ड को यानी कि चावलों की खेती को अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर जो है इन्फेस्ट करते हैं, उस टाइम पर जो है इनकी जो एग है वो तब जाके जो है निम्फ स्टेज में कन्वर्ट होती है। सो दैट्स वाई देर इज़ ओनली ए सिंगल ब्रूड इन ए ईयर इन हायरोग्लाइफस बेनियन। सो दिस इज़ अबाउट दी हैबिट्स ऑफ एडल्ट, दिस इज़ दी हैबिट्स ऑफ ग्रास होपर, राइस ग्रास होपर, ऑल्सो कॉल्ड एज हायरोग्लाइफस बेनियन। नाउ वी सी लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये जो फीमेल राइस ग्रास होपर है, ये एग ले करती है पॉड्स के अंदर। पॉड्स एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है अंडों को बचाने के लिए, बिकॉज जो ये अंडे हैं वो ग्राउंड के अंदर दिए जाते हैं, 5 to 8 centimeter डीप इन द ग्राउंड। सो द एग्स आर लेड इन पॉड्स अबाउट 5 to 8 centimeter डीप इन द ग्राउंड। तो 5 to 8 centimeter डीप जो है ग्राउंड के अंदर एग्स को ले किया जाता है पॉड्स के अंदर। So this is important to note that the eggs are laid in pods about 5 to 8 centimeter deep in the
ग्राउंड। ये एक चार्ट है जिसमें वी कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ राइस ग्रास होपर। सबसे पहले जो है ये एग जो है हमें पता है पॉड्स में दिया जाता है, 5 से 8 सेंटीमीटर डीप होता है, और जो एग का एग स्टेज है बहुत देर तक चलती है। विंटर्स एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ समर इज पास्ड इन द एग स्टेज। तो विंटर्स और समर्स तो एग स्टेज में निकल जाती हैं, जो ड्राई पार्ट होता है समर का। उसके बाद एग की जो हैचिंग होती है वो लेट जून और अर्ली जुलाई के वक्त होती है, जब फर्स्ट शावर ऑफ मानसून हो चुका होता है, यानी कि जब बरसात का मौसम आ जाता है। बरसात का मौसम आने के तुरंत बाद ही एग जो है वो हैच करना शुरू कर देता है, और ये टाइम होता है लेट जून और अर्ली जुलाई का। तो इस वक्त जो है एग से हैच करके निम्फ निकल जाता है। तो एग एमर्जेस, एग की हैचिंग के बाद निम्फ एमर्जेस आउट। अब निम्फ जो है, निम्फ ग्रास होपर जो है, ये हैच करने के बाद फीड करना शुरू कर देता है लीव्स पे और सॉफ्ट ग्रेन्स पे पेडी प्लांट के, यानी कि पेडी फील्ड के, यानी कि राइस प्लांट के ऊपर निम्फ स्टार्ट्स फीडिंग एंड इट ग्रोज इनटू एडल्ट इन 3 वीक्स। तो 3 हफ्तों में जो है निम्फ जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इन 3 हफ्तों के दौरान 7 बार जो है मोल्टिंग होती है। सो देर इज 7 टाइम्स मोल्टिंग इन निम्फ इन 3 वीक्स विच कन्वर्ट्स निम्फ इनटू एडल्ट। तो मोल्टिंग का मतलब यहाँ पे है शेडिंग ऑफ द आउटर स्किन ऑफ द इंसेक्ट इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू बिकम मैच्योर। निम्फ और एडल्ट में फ़र्क ये होता है कि जो निम्फ है वो इंसेक्ट का एक ऐसा फॉर्म है जो कि इमैच्योर है, इट्स नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके पास विंग्स नहीं होते, इनका साइज छोटा होता है, जबकि एडल्ट के पास विंग्स होते हैं, साइज बड़ा होता है, मैच्योर होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन निम्फ एंड एडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली भी ये दोनों दिखने में भी थोड़े अलग होते हैं। तो निम्फ को एडल्ट में चेंज होने के लिए 7 बार मोल्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि 7 बार अपनी स्किन को जो है, अपनी आउटर कवरिंग को जो है वो शेड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है 3 हफ्तों के दौरान। तब तक ये फीड करता है पेडीक्रॉप के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ निम्फ ग्रोज इन टू एडल्ट। उसके बाद एडल्ट अगेन मेल एंड फीमेल दे कॉपुलेट एंड देन दे ले एग, और फिर से ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। और एक सीजन के अंदर ये साइकिल सिर्फ एक बार होता है, सो दैट्स वाई वी से देर इज़ अ सिंगल ब्रूड इन ए ईयर। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वी स्टडी डैमेज एंड कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट। तो डैमेज की बात की जाए तो निम्फ और एडल्ट जो है ग्रास होपर के, दे फीड ऑन पेडी लीव्स एंड सॉफ्ट ग्रेन्स। दोनों के दोनों फॉर्म्स ही जो है वो पत्तों को और सॉफ्ट ग्रेन्स को खाने का काम करती हैं विद देयर च्यूइंग माउथ पार्ट्स। वी नो बिकेज हायरोग्लाइफस बेनियन बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। तो जो ऑर्थोप्टेरा इसका ऑर्डर है उसमें च्यूइंग माउथ पार्ट्स आते हैं, तो ये पत्तों को खाने का काम करती है, और जो सॉफ्ट ग्रेन्स बन रहे होते हैं चावल पे राइस प्लांट के ऊपर, उसको ये खाने का काम करती हैं, बोथ निम्फ एंड एडल्ट फॉर्म ऑफ ग्रास होपर, जिसके कारण 10-30% तक का नुकसान हो सकता है क्रॉप को। सो 10-30% लॉस ऑफ द क्रॉप इज ड्यू टू निम्फ एंड एडल्ट फॉर्म ऑफ राइस ग्रास होपर, जिसको हम हायरोग्लाइफस बेनियन कहते हैं। इसका कंट्रोल कुछ इस प्रकार से है कि इसकी डस्टिंग कर सकते हैं विद 5% कार्बरिल और 5% मेलाथियोन। तो कंट्रोल मैनेजमेंट में डस्टिंग विद 5% कार्बरिल और 5% मेलाथियोन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द राइस ग्रास होपर। तो ये चीज़ जो है इसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इस ये है राइस ग्रास होपर के बारे में, हायरोग्लाइफस बेनियन में, बेनियन के बारे में, जिसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा को बिलोंग करता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी विच इज़ अ स्पोरेडिक पेस्ट इन पंजाब, इसकी हैबिट्स पढ़ी, लाइफ साइकिल, डैमेज एंड कंट्रोल। होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।